नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे इस चैनल में जिसका नाम है एके एस फॉर पब्लिक और मेरा नाम है अक्षय। तो चलिए आज मैं आपको बताता हूँ एक न्यूज़ अपडेट। जी हाँ, ये एंटरटेनमेंट की दुनिया की सबसे बड़ी न्यूज़ अपडेट है। मैं बता दूँ दोस्तों आपको, ये न्यूज़ अपडेट ये है कि जो JZ नाम के रैपर हैं उन्हें इस 2018 ग्रैमी अवार्ड में 7 से 8 नॉमिनेशंस मिले हैं। जी हाँ, तो वो इस बार ग्रैमी 2018 में ग्रैमी अवार्ड्स को लीड करते हुए नज़र आएंगे। और बाकी की रिपोर्ट देने के लिए मैं अपनी फ्रेंड टेक्नोबोट को बुलाना चाहूँगा और बाकी की सारी न्यूज़ वो आपको बताएंगी। तो चलिए सुनते हैं कि वो क्या कहना चाहती है इस पूरे रिपोर्ट के बारे में। न्यूयॉर्क एक वर्ष में 2018 ग्रेमी अवार्ड नामांकन के नेता है, जहां शीर्ष 4 श्रेणियां रैप और R&B कलाकारों पर भारी संख्या में हैं, जिससे अक्सर अनदेखी की जाने वाली शैलियों में बड़े जीतने का एक मजबूत मौका होता है। रिकॉर्डिंग अकादमी ने मंगलवार को कहा कि डा को 8 सम्मानों के लिए नामांकित किया गया है, जिसमें एल्बम, गीत और वर्ष का रिकॉर्ड भी शामिल है। ब्रूनो मार्स को भी तीनों के लिए नामांकित किया गया है, जबकि केंड्रिक लामार, जिन्होंने 7 नामांकन अर्जित किए हैं, और बालिका गैम्बिनो प्रमुख पुरस्कारों के लिए भी हैं। टके व्यक्तिगत और खुलासा एल्बम 4:44 को मंगल की 90 के प्रेरणा वाली R&B साहसिक 24 के जादू के साथ वर्ष के एल्बम के लिए नामांकित किया गया है। लामा की हार्ड रटिंग रैप मास्टरपीस डमैन, गैम्बिनो के फंक आत्मा परियोजना एज ने माय लव और लॉर्ड ऑफ समीक्षकों द्वारा प्रशंसित पॉप एल्बम मेलोरामा साल का नामांकन के रिकॉर्ड में जय जेब की द स्टोरी ऑफ उजे शामिल है, जो कालापन और पैसे के प्रबंधन के बारे में एक गाना है जो जे का भी उल्लेख करता है। सिंपसन मंगल के शीर्ष 5 हिट 24 के मैजिक, लामा का नंबर 1 स्मैश विनम्र, गैम्बिनो का रेड बोन जो गर्म सुपर नंबर 12 पर पहुंच गया, और साल का सबसे बड़ा हिट डेस्पेशितो लुइस फोंसी, डैडी यांकी और जस्टिन बीबर द्वारा डेस्पेशितो को वर्ष के गीत के लिए भी नामित किया गया है। एक गीतकार का पुरस्कार मंगल की नंबर 1 हिट के साथ यह वही मुझे पसंद है, जिसे शीर्षक ट्रैक 4:44 रायोलॉजिक की आत्महत्या की रोकथाम गान 1-800-273-8255 और मुद्दे जूलिया माइकल्स द्वारा गायक, जिन्होंने बीबर, सेलेना गोमेज और अन्य पॉप स्टार के लिए हिट लिखी हैं। माइकल्स को सर्वश्रेष्ठ नए कलाकार के लिए भी नामित किया गया है, जहां R&B और रैप नियम फिर से हैं। उनकी प्रतियोगिता में गायक SJA, खालिद और इलेसिया गैरा, रैपर लिल ओजी वेट शामिल हैं। शीर्ष 4 श्रेणियों में कोई रॉक या देश के कृतियों का नामांकन नहीं किया गया था। रैप और R&B भारी नामांकन, जिसमें कई काले और लैटिनो कलाकार शामिल हैं, इस साल की शुरुआत में ग्रामी में लोगों की आलोचना की गई थी, जब कुछ लोगों ने महसूस किया कि बेयोन्स की बहू शैली लिमोनो एल्बम को एडेले के 25। एडेले ने यह भी व्यक्त किया कि बेयोन्स को पुरस्कार प्राप्त करना चाहिए था, हालांकि एडेल के लिए जीत एक और साल का निशान लगाया, जब ग्रामियों ने रैप या R&B शैली के बाहर एक कलाकार को अपना सबसे बड़ा पुरस्कार दिया। संगीत समीक्षकों और व्यावसायिक रूप से इस वर्ष के मालिक होने के बावजूद पॉप रॉक और देश के कई वर्षों में कान्ये वेस्ट, एमिनेम, मारिया केरी और अन्य शीर्ष श्रेणियों में भी हार गए हैं। हमारे पास वर्तमान सदस्यता है जो समझी जाती है और निश्चित रूप से समय पर है, वर्तमान है और प्रतिबिंबित करती है कि संगीत आज और भविष्य में क्या है। अकादमी के अध्यक्ष और CEO नील पोर्टोनो ने एक साक्षात्कार में कहा, स्पष्ट रूप से इस वर्ष सभी नामांकन में हमने हमारी सदस्यता के लिए किया विविधीकरण कार्य स्पष्ट किया है। मुझे लगता है कि यह हमारी कड़ी मेहनत और एक जीवंत वर्तमान प्रासंगिक विविध मतदान सदस्यता होने का इरादा है। जय जेटिया लामा अगली साल का इतिहास बना सकते हैं, जब 28 जनवरी 2018 को न्यूयॉर्क शहर में ग्रामिया आई कोई भी एल्बम साल का एल्बम जीतने के लिए केवल तीसरे रैप आधारित एल्बम बन सकता है।
और या तो गीत वर्ष की रिकॉर्ड या गीत जीतने के लिए रैप शैली में सबसे पहले हो सकता है। 4:44 जिसमें जिज़ज़ के बेनिस और पारिवारिक जीवन के संबंधों के बारे में गाने शामिल हैं। एक प्रमुख कलाकार के रूप में वर्ष के एल्बम के लिए रैप आइकन का पहला नामांकन दर्शाता है। यह शीर्ष श्रेणी में लामा का तीसरा हिस्सा है। लामा उन सभी 7 श्रेणियों मिड के साथ प्रतिस्पर्धा करेंगे जिसमें उन्हें सर्वश्रेष्ठ रैप एल्बम, सर्वश्रेष्ठ रैप गीत, सर्वश्रेष्ठ रैप प्रदर्शन, सर्वश्रेष्ठ रैप गाया प्रदर्शन और सर्वश्रेष्ठ संगीत वीडियो शामिल हैं। मंगलवार और लामा के पीछे 6 नामांकन हैं, जिनमें सर्वश्रेष्ठ R&B एल्बम, सर्वश्रेष्ठ R&B गीत और सर्वश्रेष्ठ R&B प्रदर्शन शामिल हैं। गमीनो, जिसे एमी और गोल्डन ग्लोब विजेता अभिनेता डोनाल्ड ग्लोवर के रूप में जाना जाता है, ने 5 नामांकन अर्जित किए। 5 नामांकन अर्जित करने वाले अन्य लोगों में SJA, खालिद और नम आईडी शामिल हैं, जिन्होंने जेजेड के एल्बम का निर्माण किया और साल का गैर शास्त्रीय निर्माता बना एड शीरान, जिसने डिवाइड के साथ वर्ष का दूसरा सर्वश्रेष्ठ बिकने वाला एल्बम रखा है, को शीर्ष श्रेणियों में छू लिया गया था। डेविड ने सर्वश्रेष्ठ पॉप वोकल एल्बम के लिए नामांकन अर्जित किया, जबकि उसका नंबर 1 हिट आपका आकार सर्वश्रेष्ठ पॉप एकल प्रदर्शन के लिए तैयार है। सर्वश्रेष्ठ पॉप मुखर एल्बम के लिए नामांकित अभिनेत्री लेडी गागा का जोइंग, कोल्डप्ले के 5 गीत EP, बहुरूप दर्शक इमेजन ड्रैगन इवॉल्व, लाना डेल रे की लाइस्ट के लिए वासना और केशा की इंद्रधनुष जिसमें उनका पहला ग्रेमी नामांकन है, केश जो पूर्व संरक्षक और निर्माता डॉट लीड के साथ कानूनी युद्ध में रहे हैं, को भी प्रार्थना के लिए सर्वश्रेष्ठ पॉप एकल प्रदर्शन के लिए नामित किया गया है। यनाट कोहेन और क्रिस कॉनेल दोनों बेहतरीन रॉक प्रदर्शन के लिए नामांकित हैं। अन्य मृतक उम्मीदवारों में ग्लेन कैंपेल, क्रेग ओल्डमैन और कैरी फिशर शामिल हैं, जिन्हें सबसे अच्छा बोलने वाले शब्द एल्बम के लिए नामांकित किया गया है, जहां बनी सैंडर्स, मार्क रफलो और ब्रूस स्प्रिंगस्टीन भी नामित हैं। देश श्रेणियों में क्रिस स्टेपल्टन 3 नामांकन के साथ होता है। मिरांडा लैम्बर्ट, जिन्होंने 2 नामांकन अर्जित किए, आश्चर्यजनक रूप से सर्वश्रेष्ठ देश एल्बम से बाहर हो गए। हालांकि उनके डबल एल्बम द वेट ऑफ इन विंग्स एक महत्वपूर्ण पसंदीदा था। कई लोग जिन्होंने कई नामांकन अर्जित किए हैं उनमें फेरल क्लडीसी, नथिंग मोर, एलिसन क्रॉस, डेनियल सीज़र और फू फाइटल्स शामिल हैं। एंडी न्यूमैन के गीत पुतिन, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए उनका अपमानित होती सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था यंत्र और स्वर के लिए नामांकित है। टेलर स्विफ्ट, जिन्होंने ग्रेमी कट ऑफ की तारीख से पहले रिलीज की एकल लुक व्हाट यू मेड मी मी के लिए नामांकन अर्जित नहीं किया है। लिटिल बिग का उनके नंबर 1 हिट बेहतर मैन लिखने के लिए सर्वश्रेष्ठ देश के गीत के लिए एक मंजूरी अर्जित की। स्विफ्ट को आई डू विन अ लाइफ फॉरएवर के लिए दृश्य मीडिया के लिए सबसे अच्छा गीत के लिए भी नामांकित किया गया है। जियान के 7:50 शेड्स डामर साउंडट्रैक से उनका सहयोग, उनका नया एल्बम प्रतिष्ठा 2019 ग्रेमी में नामांकन के लिए योग्य होगा। कार्डी बी, जिसने बोर्डिक पीला मनी मूव्स के साथ वर्ष की सबसे बड़ी हिट में से एक किया था, ने 2 नामांकन अर्जित किए, सर्वश्रेष्ठ रैप गीत और सर्वश्रेष्ठ रैप प्रदर्शन। एक अन्य महिला रैपर ने भी नामांकन अर्जित किया है, सैली के लिए सबसे अच्छा रैप गीत और लैला की बुद्धि के लिए सर्वश्रेष्ठ रैप एल्बम के लिए रिप्टी तैयार है। बाद की श्रेणी में वहदा, लामा, मेगोस और टाइलर निर्मदा के साथ प्रतिस्पर्धा करेंगे। स्नबेशंस में फ्यूचर जे कोल और डीजे खालिद शामिल हैं, जिन्होंने वाइल्ड थॉट्स और आई एक दवान के साथ साल की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से 2 60वीं वार्षिक ग्रैमी में 84 श्रेणियों में योग्य एल्बम और गीत 1 अक्टूबर 2016 और सितंबर 30, 2017 के बीच जारी किए जाने थे। इस साल ग्रैमी ने अपने मुख्य पुरस्कारों के लिए ऑनलाइन वोटिंग का इस्तेमाल किया है। यह पिछले साल लैटिन ग्रैमीज के लिए ऑनलाइन वोटिंग शुरू कर दिया था।
तो दोस्तों ये थी रिपोर्ट मेरी फ्रेंड टेक्नोबॉट के द्वारा, और अब मैं आपको कुछ और चीज़ें ग्रैमी नॉमिनेशंस के बारे में बता देता हूँ। एल्बम ऑफ द ईयर के लिए नॉमिनेट हुए हैं चाइल्डिश गैम्बिनो की अवेकन माय लव, जे जेड की 4.44, केंड्रिक लैमर की डैम, लॉर्ड की मेलोड्रामा और ब्रूनो मार्स की 24 की मैजिक। और रिकॉर्ड ऑफ द ईयर के लिए है चाइल्डिश गैम्बिनो फिर से रेड बोन और लुइस फोंसी और डैडी यंग की फीचरिंग जस्टिन बीबर डेस्पासितो, द स्टोरी ऑफ ओज जिसमें जे जेड है और हम्बल केंड्रिक लैमर के द्वारा, 24 के मैजिक ब्रूनो मार्स फिर से, और सॉन्ग ऑफ द ईयर और सॉन्ग राइटर अवार्ड भी कह सकते हैं हम लोग, तो वो है लुइस फोंसी और डैडी यंग की जस्टिन बीबर डेस्पासितो के लिए, बॉयड एरिका एंडर एंड मैटी जेम्स क्रैटन ये है पूबियर के लिए, जे जेड और नो आईडी ये है 4.44 के लिए, जूलिया बैनी माइकल और टॉर और जिसके साथ में जस्टिन ड्रिव ये है इश्यूज के लिए, लॉजिक एलेसिया कारा खालिद अर्जुन इवात्रुरी ये है 1-800-273-8255 के लिए, और ब्रूनो मार्स फिलिप लॉरेंस क्रिस्टोफर जेम्स रेचल जेमी रे रोमस और जॉनथन ये है दैट्स व्हाट आई लाइक के लिए। और अब बात करते हैं बेस्ट न्यू आर्टिस्ट की नॉमिनेशन की, इसमें है एलेसिका कारा खालिद लिल यूजी वर्ड जूलिया माइकल्स और एस जेड। और अब बात करते हैं नॉमिनेशन में बेस्ट पॉप सोलो परफॉर्मेंस की, उसमें है कैली कार्सन जो कि है लव सो सॉफ्ट के लिए, और केशा जो है प्रेइंग के लिए, लेडी गागा मिलियन रीजंस के लिए, और पिंक व्हाट्स अबाउट अस के लिए, और एड शेरन शेप ऑफ यू के लिए जिसमें टेलर स्विफ्ट और जैन मलिक ने अपना सॉन्ग अपना वॉइस दी है। अब बात करते हैं बेस्ट पॉप ड्यूओ और ग्रुप परफॉर्मेंस की, तो उसमें है द चेन स्मोकर एंड कोल्ड प्ले जो है जिसका सॉन्ग है समथिंग लाइक दिस, और लियोस फैंसी डैडी यंग की फीचरिंग जस्टिन बीबर जिसका नाम है डेस्पासितो जो यूट्यूब पे नंबर वन है, और इसी के साथ में है इमेजिन ड्रैगन्स जो है थंडर सॉन्ग के लिए, पुर्तगाल जो है फील इट स्टिल के लिए, और जेड और एलिसा कारा जो है द मैन स्टेस के लिए। अब बात करते हैं बेस्ट ट्रेडिशनल पॉप वोकल एल्बम की, जो कि है नोबडी बट मी, माइकल बबल, रिप्लिकेट, बॉब डायलन, और इन फुल स्विंग के लिए है सेथ मेलफ्रेन, वंडरलैंड के साथ में है सारा मैकमैन, और टॉनी बेनेट सेलिब्रेट 90s, ये काफ़ी सारे आर्टिस्ट ने किया है। अब बात करते हैं बेस्ट पॉप वोकल एल्बम की, इसके लिए है कैलिडोस्कोप ईपी कोल्ड प्ले द्वारा, लास्ट ऑफ लाइफ बाय लाना डेल रे, इवॉल्व बाय इमेजिन ड्रैगन, रेनबो बाय केशा, जोने बाय लेडी गागा, डिवाइड बाय एड शीरन। बेस्ट डांस और इलेक्ट्रॉनिक एल्बम के लिए माइग्रेशन बाय बोनोबो, 3D द कैटलॉग ये है क्राफ्टवर्क, म्यूरामोसा ये है म्यूरामोसा द्वारा, अ मोमेंट अपार्ट, ओडेसा, व्हाट्स नाउ, सिल्विया एसो। बेस्ट रॉक एल्बम इसके नॉमिनेशंस है एम्पायर ऑफ सैंड जो कि है मस्टन डन द्वारा,
हार्डवायर्ड टू सेल्फ डिस्ट्रक्ट, यह है मेटालिका द्वारा। द स्टोरी वी टेल्स आवर सेल्फ, यह है नथिंग मोर के द्वारा। और यह है विलन्स क्वीन ऑफ द स्टोन एज। अ डीपर अंडरस्टैंडिंग, यह है द वॉर ऑफ ड्रग, ये सारी उन एल्बम के सॉन्ग्स है। बेस्ट रॉक एल्बम, बेस्ट अल्टरनेटिव म्यूजिक एल्बम की बात करें तो एवरीथिंग नाउ, एक्रेड फायर, ह्यूमंस गुरिल्ला, अमेरिकन ड्रीम, एलसीडी साउंड सिस्टम, प्योर कॉमेडी, फादर जॉन मिस्त्री और स्लीपवेल बीस्ट, द नेशन। अब बात करते हैं बेस्ट R&B एल्बम की, इसमें है फ्रॉडियन, डेनियल कैसर द्वारा, लेट लव रूल्स, लेडी सी, 24 के मैजिक, ब्रूनो मास, जंबो, ये है पीजे मॉर्टन, फील द रियल, मॉसिक सॉल चाइल्ड। अब बात करते हैं बेस्ट रैप एल्बम की, वो है 4.44 JZ द्वारा, डैम केंड्रिक लैनर द्वारा, कल्चर मिकोस द्वारा, लैला विजडम रैप सॉडी द्वारा, फ्लावर बॉय टेलर द्वारा, द क्रिएटर। अब बात करते हैं बेस्ट कंट्री एल्बम की, उसमें है कॉस्मिक होलेजा, कैनी चांस, हार्ट ब्रेक लेडी, द ब्रेकर, लाइफ चेंजेस, अ रूम वॉल्यूम 1। अब बेस्ट जैज़ वोकल एल्बम की बात करें तो द जर्नी, अ सोशल कॉल, बैड एस एंड ब्लाइंड, पॉटर प्ले पॉटर, ड्रीम्स एंड ड्रैगन्स। अब बात करते हैं बेस्ट जैज इंस्ट्रूमेंटल एल्बम की, अपटाउन डाउनटाउन, बिली चाइल्ड्स, ओपन बुक, द ड्रीम इज द ड्रीम। अब बात करते हैं बेस्ट कॉम्प्लिकेशन साउंडट्रैक फॉर विजुअल मीडिया, ये है बेबी ड्राइवर, गार्डियन ऑफ गैलेक्सी वॉल्यूम 2 द्वारा, ऑसम वॉल्यूम मिक्स 2, हिडन फिगर द एल्बम, लाला लैंड, मोएना। अब बात करते हैं प्रोड्यूसर ऑफ द ईयर नॉन क्लासिकल की, उसमें नॉमिनेशन में है क्लेविन हैरिस, क्रैक क्रिस्टिन, ब्लेक मिल्स, नो आईडी, द स्टीरियोटाइप्स। बेस्ट म्यूजिक वीडियो की बात करें तो अप ऑल नाइट, मैबेका, द स्टोरी ऑफ ओज, हम्बल, 1-800-273-2855, लॉजिकल फीचरिंग एस्केरा एंड खालिद। तो दोस्तों ये थे सारे नॉमिनेशन 2018 में होने वाले ग्रैमी अवार्ड के लिए। तो आई होप दोस्तों मेरी फ्रेंड टेक्नोबोट और मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, और सबसे पहले ये जो इन्फॉर्मेशन है हिंदी में मैंने ही अपने चैनल पे डाली है, तो ज़रूर देखिए और मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए AKS फॉर पब्लिक। साथ में अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आप मेरे चैनल से रहे अपडेटेड।